श्रीकांत जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। श्रीकांत जी स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। हम जानते हैं सुबह से हम देख रहे हैं बीजेपी के अलग अलग नेता एक बात खास तौर से कह रहे हैं, हो सकता है आप भी वही कहें कि हमने नैतिकता के आगे सत्ता को बहुत महत्व नहीं दिया और हमने जो है वो जितना भी हमसे हुआ हमने पूरी कुर्बानी दी लेकिन नैतिकता के आगे हमने सर नहीं झुकाया। लेकिन अभी अभी बात हो रही है कि जिस तरह की संस्कृति कर्नाटक की है, जिस तरह की संस्कृति दक्षिण भारत की है, कहीं ना कहीं बीजेपी के वहां पैर रखने से उस संस्कृति पे, उस इथोस पे हमला हुआ और इसका जो सिला है, इसका जो नतीजा है वो आपको देखने को मिला है। देखिए, मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। इस आरोप में कोई दम नहीं है। जो श्रीराम सेना की ये लोग बात कर रहे हैं कोस्टल एरिया में, जिस तरह से वहां उन्होंने डिस्टर्ब किया, श्रीराम सेना से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं और वहां की सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। तो उस घटना के साथ इस रिजल्ट को जोड़ना, ठीक है आज हम लोग चुनाव कर्नाटक में हारे हैं, आप कोई भी लॉजिक उसमें दे सकते हैं, हर लॉजिक को लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये भी ठीक हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश शेट्टार के नेतृत्व में वहां ईमानदार सरकार देने की कोशिश की लेकिन हम लोग वहां सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारा वोट तीन जगह डिवाइड हुआ। येदियुरप्पा जी पार्टी से अलग हो गए, श्री रामलू अलग चुनाव लड़े, तो जो पिछले चुनाव में एकमुश्त होकर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था उस वोट में डिवीजन हुआ और इसलिए हम वहां चुनाव हारे। जहां तक आप नैतिकता की बात कर रही हैं तो इस देश की राजनीति में आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ दोगली बात नहीं कहनी है। हम चाहते तो कांग्रेस पार्टी का अनुसरण कर सकते थे कि एक कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट से ड्रॉप करते हैं, वहीं उसको हिमाचल का मुख्यमंत्री बना देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में शीला जी दोषी हैं लेकिन सोनिया जी के आशीर्वाद से आज वो मुख्यमंत्री हैं। कोल ब्लॉक आवंटन में 18 महीने सीबीआई जांच करती है लेकिन प्रधानमंत्री राजा को क्लीन चिट देते हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट 122 लाइसेंस को रद्द करता है तब जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो पाती है। जेपीसी बनती है, जेपीसी को भी एक सेशन कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देती, उसके बावजूद भी जेपीसी में जो आरोपी लोग हैं उनको बुलाया नहीं जाता। सारी सीमाएं पार कर दी। जी हां, मैं इनसे जवाब ले लेती हूं। जेडी सीलम जी, ये बताइए कि बहुत सारी बातें कह दी है श्रीकांत जी ने और साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम जनता को ये बता दिया असेंबली इलेक्शन जरूर, असेंबली इलेक्शन वो जरूर हार गए हैं लेकिन लेकिन लोकसभा इलेक्शन के लिए कम से कम उन्होंने अपना चेहरा तो साफ कर लिया। क्या साफ किया मैडम, क्या सहारा साफ किया उन्होंने? जो क्यों लोकपाल बिल पे क्यों अड़चन डालते हैं, क्यों नहीं पास करवाते हैं? कांग्रेस ने लाया लोकपाल बिल, बीजेपी ने नहीं लाया ना। ये आप बात करना अलग है, काम करके दिखाना अलग है। हम करप्शन के खिलाफ है, किधर साबित हुआ? हमने पूरा उनका शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने अनुमति दिया, किसको हमने बचाया? ऐसे ऐसे बोलते हैं श्रीकांत जी एज इफ कांग्रेस पार्टी इज प्रमोटिंग करप्शन। नो, देर आर सर्टन, इस प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकता है, उस गलतियां को हम आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में जो कांग्रेस का UPA 2 चल रहा है ये केवल प्रचार कर रहा है, केवल प्रचार से काम नहीं होता है। उनको आप हमारे साथ मिलके इसको मिटाने के लिए काम करें। जी ठीक है, वापस आएंगे आपकी तरफ। जेडीसी रमजी, श्रीकांत जी, भारत भूषण, क्या वाकई गुड करप्शन, बैड करप्शन, छोटा करप्शन, बड़ा करप्शन, इस तरह की लड़ाई हो रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, करप्शन करप्शन है और छोटा करप्शन तो 5-10 रुपए वाला लोग सह भी लेते हैं, लेकिन जिस ढंग से, जिस ब्रेजन तरीके से, खुले तरीके से यूपीए सरकार में लूट मची हुई है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसी ही लूट कर्नाटक में मची हुई थी। आप ही के चैनल पे एक वक्ता आए थे कर्नाटक के, विश्लेषक, को कहने लगे कि येदियुरप्पा जी को पब्लिक फाइनेंस बहुत समझ में आता है लेकिन पब्लिक फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस में फर्क समझ में नहीं आता है। तो ये जो यूपीए सरकार है इनको परसेप्शन में और लीगल प्रोसेस में फर्क नजर नहीं आता है। परसेप्शन बहुत मैटर करता है पॉलिटिक्स में। अगर परसेप्शन ये है कि फला मंत्री करप्ट है क्योंकि उनके भतीजे ने उनके नाम पे रिश्वत ले ली, तो परसेप्शन में तो करप्ट है। अब आप कहें नहीं, हम तो इंतजार करेंगे जब FIR होगी और जब उनको गिल्टी करार दिया तभी वो छोड़ के जाएंगे। ये इस देश की राजनीति जो है नैतिक आधार पर चलती है, परसेप्शन के आधार पर चलती है। एक जमाना ये था कि रेल का एक्सीडेंट होता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, और अब ये नौबत आ गई है इसी कांग्रेस में कि वो कहते हैं जी प्रक्रिया चल रही है।
प्रक्रिया चलते रहे, आपको उस इलेक्शन की प्रक्रिया जब सामने आएगी और रिजल्ट की प्रक्रिया सामने आएगी तब आपको तब पता लग जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। श्रीकांत जी ये बताइए कि फिलहाल येदियुरप्पा जो चाहते थे कमोबेश वो हुआ है, आपको नुकसान तो उन्होंने पहुंचाया, ये अलग बात है कि उन्हें उस नुकसान को वो फायदे में अपने लिए कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन क्या पार्टी इस वक्त सोच रही है लोकसभा चुनाव के लिए? हम जानते हैं चोट बड़ी पहुंची है, लेकिन क्या येदियुरप्पा फिर से वापस आ सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि राजनीति में आपको कई बार कड़े फैसले लेने होते हैं और उनका नुकसान भी आपको मालूम है कि उनका नुकसान होगा। येदियुरप्पा जी पर बहुत गंभीर आरोप नहीं थे, उनका नाम सिर्फ लोकायुक्त की रिपोर्ट में आया था और उससे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जो थे वो भी उसी तरीके के काम में थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शर्ट है वो एकदम वाइट है, कांग्रेस पार्टी कलरफुल है, उसको उनका एडवांटेज मिलता है। मैं बात कर रहा था कोल ब्लॉक आवंटन की। 2004 से लेकर 2012 तक जिस तरीके की लूट आपने कोल में की और स्वयं प्रधानमंत्री जी उसमें आरोपी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि सीबीआई उसकी जांच करे। हमारे लोग सीबीसी के पास गए, सीबीसी को शिकायत की, उसके बाद उसमें जांच शुरू हुई और अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर करना शुरू किया। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी। मुश्किल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बारे में बात करना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी के, मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम में बीजेपी बीजेपी के बारे में बात करे, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करे। मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहती थी येदियुरप्पा के बारे में। हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करें ना सिर्फ जिसके ऊपर चार्जेस लगे बल्कि जो खुद जेल होकर आए, उसके बाद आपने उनको कबूल नहीं किया। अब जबकि हालात खराब हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी खत्म हो चुकी है और दोस्ती अभी हुई नहीं है, उससे बीच की स्टेज में हैं आप येदियुरप्पा के साथ। देखिए, आप आकलन कर सकते हैं, आपको अधिकार है क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारों का काम है राजनीति पर विश्लेषण करना, आकलन करना, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि हमारी कथनी और करनी में स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि 0% टॉलरेंस पर हम लोग, उस नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अगर कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद उन्होंने जो करप्शन केंद्र में किया है 10 साल से, उस पर उनको कोई छूट मिलेगी, जिस तरह से रेलवे में 10 करोड़ की बोली लगती है एक पोस्टिंग के लिए, अगर कांग्रेस के मित्रों को लगता है कि कहीं उनको कोई मरहम का काम होगा तो ये उनकी गलतफहमी है। तो श्रीकांत जी, येदियुरप्पा वापस आएंगे? मैं फिर अपने पॉइंट पर वापस आ रही हूं। कर रही थी येदियुरप्पा जी पर आरोप लगे, वापस आएंगे येदियुरप्पा? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। येदियुरप्पा वापस आएंगे आपके साथ, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? येदियुरप्पा पार्टी से स्वयं गए थे, पार्टी से येदियुरप्पा जी का निर्णय जाने का स्वयं का था। अब ये तो येदियुरप्पा जी फैसला करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। आपको गुरेज तो नहीं कर सकते, आपको कोई गुरेज नहीं है, बातें हैं इन पर आज फैसला कैसे हो? लेकिन आपको गुरेज नहीं है, इतना जरूर है कि वो स्वयं के अपने निर्णय से पार्टी से अलग हुए। हाँ, लेकिन गुरेज आपको नहीं है, वो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। मैंने कहा आपको कि उन पर आरोप लगे, पार्टी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री पद से हट जाइए, वो हटे और अदालतें फैसला बाद में करती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने फैसला कर दिया है, हमने फैसला लिया, जनता ने फैसला कर दिया, हमारे सामने उसका परिणाम है। बिल्कुल, जनता ने लगता है कि आपको नुकसान हुआ है, जनता ने फैसला किया है, अदालत जरूर फैसला करती है। शेष नारायण जी।